फारूक सत्तार का एमकेएम पाकिस्तान के साथ शामिल होने से इनकार। ताले के निशान पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी का नाम तहरीक एमकेएम रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे एमकेएम वाले कहते हैं कि बुजुर्ग मना करते हैं कि फारूक सत्तार को ना ले। बुजुर्ग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तीन बार जनरल वर्कर इजलास बुलाने की तारीख मुकर्रर की गई, एक बार बारिश की वजह से मनसूख हुई, दो बार नामालूम वजूहात की बिना पर मनसूख हुई। दो साल से पार्टी में आए हुए सादिक इफ्तिखार को वजीर आजम का मुशीर बना दिया गया। एमकेएम सिर्फ खालिद मकबूल की है। भाद्रबाद में दोस्तियां निभाई जा रही हैं। मैंने भी ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया। मैंने अब आखिर में एक हफ्ते से जो बात आ रही थी कि बुजुर्गों ने मना किया है फारूक भाई की क्लियरेंस, बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। तीन मर्तबा वर्कर इजलास की तारीख रखी गई, एक बार बारिश की वजह से पोस्टपोन हुई, बाकी दो दफा क्यों हुई मेरे इल्म में नहीं। कि ये एमकेएम ना तुम्हारी है ना मेरी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की है। राबता कमेटी से पूछा था जब एक दोस्त तीन साल आए हुए सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का वजीर बना दिया और खुद दोस्तियाँ निभाई जा रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।